तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस, यहाँ पे अभी जैक बोर्ड में क्लास 8, 9th, 11th, 10th, 12th सभी का एग्जाम होना है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है मतलब जैक बोर्ड के 8, 9th और 11th वाले बच्चों को कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम कब होगा, कैसे होगा एंड क्या पैटर्न रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग चलते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग को सिंपली सर्च कर लेना है गूगल पे। आप लोग झारखंड lab.com सर्च करोगे या फिर झारखंड लैब सर्च करोगे, ओके ना। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा स्क्रीन पे, देख सकोगे कि आप लोग का झारखंड lab.com सर्च करना। झारखंड जैसे .com आप लोग सर्च करोगे गाइज, उसके बाद आप लोग के सामने एक वेबसाइट खोल करके आ जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है एंड आप लोगों को बता दूंगा गाइज, आप लोग का डेट क्या है, पैटर्न क्या है, कब सब्जेक्टिव होगा, कब ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे परीक्षा होगी, सारे डिटेल्स आप लोग जैसे आप लोग देख पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे हैं गाइज, मैंने झारखंड लैब सर्च कर लिया है एंड झारखंड lab.com सर्च करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोग को कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग झारखंड lab.com सर्च करोगे, ऊपर में आप लोग क्लिक कर देना है एक बार इस पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे झारखंड lab.com, आप लोग को सारे डिटेल है खोल करके आ जाएंगे। सिंपली आप लोग को क्लिक एक बार कर देना है, जैसे क्लिक करोगे ये आप लोग का खुल जाएगा। खुलने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को पूरा पेज आप लोगों को खुलेगा, ठीक है। पूरे पेज खुलने के बाद आप लोग सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ पाओगे, ठीक है। फाइनली हमारा खुल चुका है गाइस एंड आप लोग देखोगे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे या फिर आप लोग सिंपली होम पेज पे आना एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैक 9th 11th एग्जाम डेट या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर ऑल पोस्ट पे आना, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके ऑल पोस्ट पे आ जाओगे। ऑल पोस्ट पे आने के बाद इसको अलाउ कर दोगे, ठीक है। इसको अलाउ कर दोगे, यहाँ पे ये जो नीचे आया हुआ था उसको अलाउ कर दोगे एंड ऊपर में अभी देख सकते हो लेटेस्ट पोस्ट है ये झारखंड बोर्ड 2022 पायलट और मॉडल टर्म की परीक्षा कब ली जाएगी, 8, 10, 11 एग्जाम डेट कब है। यहाँ पे इसको जैसे कि मैंने बोला आपको इसको अलाउ कर देना है, सिंपली इसको अलाउ कर दीजिएगा एंड अलाउ करने के बाद अगर ओके परमिशन पूछे तो ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, आप जैसे क्लिक करोगे जहाँ पे नेक्स्ट पेज पहुँच जाओगे जहाँ पर पूरी बातें लिखी हुई है, जहाँ पर आप लोग जैसे कि पढ़ सकते हो, ठीक है। झारखंड जैक बोर्ड क्लास 9th सॉरी झारखंड जैक 11th एग्जाम डेट 2022 एंड ऑल्सो क्लास 8 एंड 9th एग्जाम डेट 2022 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ओके। झारखंड का कौन सा कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा कब लेगा, इसके परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, जो कि परीक्षार्थियों को जानने चाहिए। जी हाँ गाइस, आप लोग की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और आप लोग को जो है डेट्स आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा कैसे होगी, कब होगी एंड सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया जाए झारखंड कौन सा मैट्रिक और इंटर के बाद 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा लेगा और लेने की घोषणा की थी, लेकिन अभी मैट्रिक और इंटर के प्रथम संशय बना हुआ है, लेकिन कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह का असर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो है गाइस, आप लोग का कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी और कब ली जाएगी आप लोग को पता होना चाहिए, और मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में संशय बना हुआ इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2022 में आप लोग की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, आप लोग की बोर्ड परीक्षा 100% होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चाहे 8वीं 9वीं और 11वीं के साथ साथ मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा देर होती है, तो इन विद्यार्थियों को मैट्रिक मतलब जो है कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा अगर लेने में अगर देर होती है तो आप लोग के साथ यानी कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के साथ बोर्ड परीक्षा इन लोगों की ले जाएगी। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग एग्जाम पैटर्न डेट सर से बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं सॉरी देखिए यहाँ पे झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की 12वीं की कब लेगी स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसके लिए पता जारी कर दिया। मतलब जो है झारखंड बोर्ड अपना मैट्रिक और इंटर का बोर्ड एग्जाम्स या फिर कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के बोर्ड एग्जाम्स कब लेगा, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसके रिलेटेड पत्र जारी कर दिया था कि आप लोग को इसी से डेट में परीक्षा लेनी है, वो डेट भी आप लोग यहाँ पे जानोगे, जिसमें कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा कब ली जाएगी इसकी तिथि घोषित कर दी। मतलब कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथि कब है ये भी घोषित कर दी गई है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे तो परीक्षा कब और कितने बार होगी, मतलब परीक्षा कब और कितने बार होगी, ठीक है। इस बार कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की एग्जाम डेट जो है मतलब कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा दो टर्म में ली जाएगी, दो बार ली जाएगी। पहले टर्म की परीक्षा जो है 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ली जाएगी, मतलब 15 जनवरी 2022 ठीक है से 31 जनवरी 2022 के बीच में ली जाएगी, ठीक है। इसी बीच में आप लोग की परीक्षा कहीं ना कहीं पर ले ली जाएगी, इसी बीच में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की पहले टर्म की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। मतलब 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा ले ली जाएगी, वही दूसरे टर्म की परीक्षा जो है कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के जून के महीने में ली जाएगी, ठीक है। 15 जून 2022 से 25 जून 2022 के बीच में ली जाएगी। इस बार मैट्रिक और इंटर के साथ साथ कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा दो टर्म में ली जाएगी। इस बार जो है कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की भी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आप लोग की परीक्षा दो टर्म में ली जाएगी, ठीक है। कैसे होगी बोर्ड परीक्षा, मतलब आप लोग की बोर्ड परीक्षा कैसे होगी, देखिए यहाँ पे कैसे होगी। इस बार झारखंड मध्य परिषद जैक मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा साथ साथ 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार लेगी, जैसे कि आप लोग ऊपर में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आपकी परीक्षा संभावित है, परिस्थिति भी जो संभावित आप लोग को पता चलेगा डेट क्या है आप लोग का, किस डेट में आप लोग की परीक्षा ले जाएगी, किस मंथ में आप लोग की परीक्षा ले जाएगी आप लोग को पता चल चुका है, ठीक है। और आप लोगों ने ऊपर में सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता ही दिया क्या है ऊपर में लिखा होगा,
उसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब परीक्षा पैटर्न आप लोग कैसा रहेगा, किस टाइप से प्रश्न आप सब पूछे जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले OMR शीट पर लेते थे, मतलब बोर्ड परीक्षा आप लोग की जैसे पता है कुछ पिछले साल तो हुआ ही नहीं था, उसे पिछले साल जो है कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा OMR शीट पर ली जाती थी और एक ही बार ली जाती थी, ठीक है। और लेकिन एक ही बार ली जाती थी, जो कि आप लोग को पता है परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया, और जो है परीक्षा अब जो है दो बार ली जाएगी। पहले टर्म की परीक्षा आप लोग जनवरी 2022 में ली जाएगी, वही दूसरे टर्म की परीक्षा जो है जून के महीने में ली जाएगी। डेट आप लोगों पर पता चल चुका है, पहले जो कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो एक बार ली जाती थी, वो अभी OMR शीट पर ली जाती थी, लेकिन इस बार जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार ली जाएगी। पहले टर्म की परीक्षा OMR पर होगी और दूसरे टर्म की परीक्षा सब्जेक्टिव हो, यानी कि लिखना होगा आप लोग को। जैसे कि हमें देखिए पहले टर्म की परीक्षा OMR पर ली जाएगी और सारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ रहेंगे, मतलब जो है आप लोग के पहले टर्म की परीक्षा MCQ और बहुविकल्पीय रहेंगे। MCQ ही बहुविकल्पीय बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नंबर का, और वो भी OMR शीट पर होगा, ठीक है। वही दूसरे टर्म की परीक्षा जो है लिखित रूप से देना होगा, यानी कि शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, वेरी लॉन्ग टाइप टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब लिखित आप लोग के सेकंड टर्म की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए यानी कि दूसरे टर्म की परीक्षा बहुविकल्पीय नहीं होंगी और प्रश्न पूछे जाएंगे OMR शीट, मतलब जो है दूसरे टर्म की परीक्षा आप लोग की बहुविकल्पीय नहीं होगी, उसमें जो है आप लोग को सब्जेक्टिव यानी कि लिख करके आप लोग को सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसी टाइप से आप लोग की परीक्षा ली जाएगी। ऐसा बदलाव आखिर क्यों किया गया है, ऐसा बदलाव इसलिए किया गया है, यहाँ पे जो लिखा मैं आप लोग बता देता हूँ ऐसा बदलाव इसलिए किया गया है ताकि आप लोग की जो है पिछले बार जो बच्चे ऐसे ही पास कर गए थे और उनको लिखने की आदत छूट रही थी, धीरे धीरे लिख करके बोर्ड एग्जाम्स देने की आदत छूट रही थी, जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने बदलाव कर दिया है। और उसके बाद जो है विद्यार्थियों को लिखित रूप से परीक्षा देना होगा ताकि विद्यार्थियों को जो है लिखने की आदत छूटे ना और वो लिख करके कहीं भी परीक्षा अपनी दे सकें, ये आदत उनकी बनी रहे, इसलिए स्टेप से आप लोग का पैटर्न बदलाव किया गया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया, आप लोग की परीक्षा दो बार होगी। पहली परीक्षा जो है यहाँ पे देख सकते हो, पहली परीक्षा आप लोग की 15 से 31 जनवरी 2022 के बीच में ली जाएगी, वही दूसरे टर्म की परीक्षा जो है 15 से 25 जून के बीच में ली जाएगी, कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का। आप लोग यहाँ पे डेट्स देख सकते हो, तीनों का सेम है, ठीक है, तीनों का इसी के बीच में लिया जाएगा। वही मैट्रिक और इंटर का भी डेट बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आकर के, ठीक है। यही डेट है आप लोगों का एंड यही पैटर्न आप लोग एग्जाम लेने का रहेगा और आप लोग एग्जाम जो है ली जाएगी, 100% आप लोग की परीक्षा ली जाएगी। कोई विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। उनको बताइएगा आप लोग की बोर्ड परीक्षा होगी और इस महीने में होगी, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।